किसान भाइयों, इस समय गन्ने की फसल में फंगस जनित बीमारियों का जबरदस्त अटैक आया हुआ है। किसी के खेत में बिल्कुल काली काली पत्तियां हो चुकी हैं और किसी के खेत में पोका बोइंग ने उधम मचाया हुआ है। किसान साथियों, पोका बोइंग एक ऐसी बीमारी है जो गन्ने का कैंसर रोग भी कहा जाता है। इसमें ऊपर से गन्ने की गोब गल जाती है अगर समय पे उसका उपचार ना करा जाए, और टॉप बोरर से भी ज़्यादा नुकसान हमें गन्ने की फसल में ये बीमारी पहुंचा सकती है। किसान भाइयों, अगर आपने अभी तक अपनी गन्ने की फसल में फंगस जनित रोगों के लिए कोई स्प्रे नहीं लगाई, एक अच्छे फंजीसाइड का स्प्रे नहीं करा, तो चाहे आपके खेत में रोग हो या ना हो, किसान साथियों तुरंत उसमें स्प्रे लगाएं। और किसान भाइयों, उसका आपको ये लाभ मिलेगा कि आपके खेत में रोग आएगा ही नहीं, और अगर आता भी है तो इतना नुकसान आपके खेत में बिल्कुल भी नहीं होगा। किसान साथियों, अब आ जाते हैं दूसरी बात पे। ज़्यादातर किसान साथी स्प्रे समय पे नहीं लगाते। जैसे अभी मौसम में तब्दीली आई, बदलाव आया कि भाई अब बरसात आ गई, अब हमें बरसात आते ही तुरंत अपने गन्ने में फंजीसाइड दवाओं का स्प्रे कर देना चाहिए, जिससे हमारे खेत में रोग आए ही ना। लेकिन किसान भाइयों, किसान तभी चलते हैं जब खेत को बीमारी जकड़ लेती है, और इसीलिए ज़्यादातर किसान पूछ रहे हैं कि हमारे खेत में पोका बोइंग है, हमें कोई ऐसी दवा बताओ जिसका छिड़काव करने से ये पोका बोइंग बीमारी बिल्कुल पूर्ण रूप से समाप्त हो जाए। अगर दुकान पर जाते हैं तो कई कई दवाएं, कई कई फंगस की दवाएं किसान को पकड़ा दी जाती हैं, और इसमें बहुत ही ज़्यादा नुकसान किसान का होता है। किसान भाइयों, आप केवल कापर ऑक्सी क्लोराइड, सिर्फ COC, सिर्फ कापर ऑक्सी क्लोराइड दवा का छिड़काव अपने गन्ने में कर दो, चाहे आपके खेत में कैसा भी पोका बोएंगे, वो पूर्ण रूप से समाप्त होगा। अब कुछ किसान कहेंगे कि भाई हमें तो कोई बहुत अच्छी दवा बताओ, ये तो सस्ती है, कहीं ये काम ना करे। किसान भाइयों, ये बिल्कुल नहीं सोचना कि भाई महंगी दवा ही इस बीमारी में काम करेगी। किसान साथियों, हाँ, इस दवा के साथ बस सावधानी ये है कि आप कुछ ना मिलाओ। अगर आपके खेत में पोका बोइंग जबरदस्त तरीके से आया हुआ है किसान भाइयों, तो 500 से 600 ग्राम किसी भी अच्छी कंपनी का COC कापर ऑक्सी क्लोराइड लेके आओ और अपने खेत को अच्छे तरीके से नहला दो किसान भाइयों, क्योंकि ये नॉन सिस्टमिक दवाई है, ये बीमारी पे लगेगी और किसान भाइयों पूर्ण रूप से फंगस को बिल्कुल समाप्त कर देगी। तो जरूरी है कि खेत में अच्छे तरीके से छिड़काव हो। बस ये दो सावधानी आपको रखनी है। कोई भी महंगी दवा, कोई भी दूसरा फंजीसाइड आपको खरीदने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। किसान भाइयों, इसका छिड़काव जैसे ही आप करोगे, वहीं के वहीं बिल्कुल लॉक हो जाएगा आपका खेत, और 7 दिन के अंदर जो गोब आपकी पीली पीली हो चुकी है, जो गलने की कगार पे पहुंच चुकी है, वो धीरे धीरे चलना शुरू हो जाएगी, और किसान भाइयों आपका खेत यहीं से ही सुधर जाएगा। बिल्कुल भी अपने मन में ये शंका ना रखें कि भाई ये तो सस्ती दवा है या ये तो आम दवा है, इसका तो सबको पता है, हम इसका छिड़काव करेंगे कहीं हमारा खेत खराब ना हो जाए। किसान भाइयों, पोका बोइंग बीमारी में सबसे रामबाण दवा जो है वो है COC कापर ऑक्सी क्लोराइड। हर दुकान पे आपको मिलेगी और सस्ती मिलेगी। नहीं तो किसान भाइयों, ज़्यादातर किसान साथी एम स्टार ला रहे, 1100-1200 रुपये का खर्च 5 बीघे में एक बार में ही उसका आ जाता है, और किसान भाइयों फायदा वही है जो ये दवा पहुंचाएगी। बीमारी के अनुरूप ही हमें दवाओं का चयन करना चाहिए। वैसे तो किसान भाइयों, मैंने आज तक कोई किसी भी किसान को या किसी भी वीडियो में ये नहीं कहा कि आप बुआई पे फंगस की दवा डालो, या आप मार्च में, अप्रैल में, मई में फंगस की दवा डालो। नहीं, फंगस की जो बीमारी है वो ज़्यादातर गन्ने की फसल में किसान भाइयों बरसात में ही आती है, और आप देख भी पा रहे होंगे इस समय पे टॉप बोरर से भी ज़्यादा किसानों के खेतों में पोका बोइंग लगा हुआ है या काले काले पत्ते हो रहे हैं। किसान भाइयों, इन दोनों बीमारियों में कापर ऑक्सी क्लोराइड बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देगी। COC का छिड़काव करें, सस्ते में ही आपके खेत से पोका बोइंग बिल्कुल पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा। धन्यवाद।